नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ। आज की जो मैं क्लास है वह है कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 5 के अंतर्गत कार्य पत्रक 41। आज क्लास में हम कार्य पत्रक 41 हल करेंगे जो पेज नंबर 41 पर है। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और हल करते हैं कार्य पत्रक 41। विद्यार्थी का नाम, यहां पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे। दिनांक, यहां पर सभी विद्यार्थी आज की दिनांक लिखेंगे। इस कार्यपत्रक 41 के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र है आकृति एवं स्थान की समझ। इसी के अंतर्गत अधिगम बिंदु है कोण के सापेक्ष चीजों के आधा, चौथाई, तीन चौथाई घूमने पर बनने वाली आकृति को विजुलाइज करना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कोण के सापेक्ष चीजों के आधा, चौथाई, तीन चौथाई घूमने पर बनने वाली आकृति को विजुलाइज करना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और समझते हैं आज के कार्यपत्रक को। देखो विद्यार्थियों, यहां पर दो चित्र दे रखे हैं, एक इधर वाला चित्र और एक ये इधर वाला चित्र दे रखा है। अब इस चित्र में आपको बाल्टी दिख रही है, यहां पर पेड़ दिख रहा है, यहां पर टब दिख रहा है, और यहां पर लड़का नहा रहा है, और यहां पे एक नल है जिसका मुंह इस तरफ है, बाल्टी की तरफ है। और दूसरे चित्र में आपको एक फूल, एक गेंद, एक कप और एक मछली दिख रही है, और यहां पे एक धनुष है जिसमें तीर है, तीर का मुंह इस तरफ है। तो विद्यार्थियों, इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों को समझना है। जैसे कि सवाल नंबर एक, पूरा, आधा, तीन चौथाई व चौथाई में से उपयुक्त स्थिति चित्र को देखकर लिखिए दाएं से बाएं घुमाने पर। अब आपको ध्यान रखना है कि दाएं से बाएं घुमाना है, यानी आपको इस तरफ से घूमना है, इस प्रकार से दाएं से बाएं, ठीक है, यानी आपको इधर से इस तरफ इस प्रकार से घुमाना है। ध्यान रखना है दाएं से बाएं, डी मतलब दाया, बी मतलब बाया, यानी आपको इस तरफ चलना है, ऐसे घुमाना है। ध्यान रखना है आपको इस प्रकार से घुमाना है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल दे रखा है, टब में पानी भरने के लिए पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा। विद्यार्थियों, पानी किसमें भरना है, टब में भरना है, और घुमाना आपको इस तरफ से। टब में पानी भरना, मुंह अभी इस तरफ है, अब इसे इस तरफ घुमाना है, तो विद्यार्थियों हमें कितना घुमाना पड़ेगा, आधा घुमाना पड़ेगा। तब हम यहां क्या लिखेंगे, आधा, क्या लिखेंगे हम यहां पे, आधा, यानी यहां से यहां तक हमें आधा घुमाना पड़ा। तब हमें ध्यान रखना है टब में पानी भरने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा, पाइप को आधा घुमाना पड़ेगा। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम अगले सवालों को भी हल करेंगे। दूसरा सवाल दे रखा है, लड़के को नहलाने के लिए पानी के पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा। अब लड़के को नहलाना है तो लड़का यहां है, घुमाना में इस तरफ ही है, लड़का यहां है, हमें हमें पाइप को घुमाना इस तरफ है। तब हम क्या करेंगे, अभी बाल्टी की तरफ मुंह है, आधा घुमाने पर यहां आ जाएगा और हमें थोड़ा और घुमाना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे तीन चौथाई। कितना कहेंगे, तीन चौथाई, यानी लड़के को नहलाने के लिए पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा, तीन चौथाई। हम यह लिखेंगे तीन चौथाई, लड़के को नहलाने के लिए पानी के पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा, तीन चौथाई।
विद्यार्थियों सवाल नंबर 3। दूसरे चित्र में तीर का निशान गेंद की तरफ है, मछली पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? मछली पर निशान लगाना है या गेंद की तरफ है, मछली पर लगाना घुमाना में इस तरफ है, तो हमें कितना घुमाना पड़ेगा इस तरफ लाने के लिए? आधा घुमाना पड़ेगा। तब हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे आधा। दूसरे चित्र में तीर का निशान गेंद की तरफ है, मछली पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? आधा। विद्यार्थियों अगला सवाल चौथा दे रखा है, फूल पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? विद्यार्थियों फूल पर निशाना लगाना है, यहां देखिए इस तरफ तीर है, घुमाना में इस तरफ से है, तो हम यहां से यहां आधा हो जाएगा और यहां इतना 3/4, कितना होगा 3/4 घुमाना पड़ेगा। फूल पर निशाना लगाने के लिए हमें कितना घुमाना पड़ेगा? 3/4। फूल पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? 3/4। अगला सवाल है विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5। पेड़ में पानी देने के लिए पानी के पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा? पेड़ में पानी देने के लिए विद्यार्थी देखिए नल इस तरफ है, पेड़ में पानी देना है यानी यह घुमाना है, तब हम क्या कह सकते हैं, चौथाई घुमाना, केवल कितना घुमाना, 1/4 या चौथाई घुमाना होगा। तब हम यह लिख सकते हैं पेड़ में पानी देने के लिए पाइप को घुमाना पड़ेगा चौथाई, कितना घुमाना पड़ेगा, चौथाई या 1/4 भी जिसे कहते हैं, चौथाई हिस्सा हमें घुमाना पड़ेगा। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 6। कप पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? कप पर निशाना लगाना है तब तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? तब हम यहां देखेंगे तीर इस तरफ है, यहां निशाना लगाना है, तो हमें कितना घुमाना, केवल यहां से यहां तक, जिसे हम क्या कहेंगे, चौथाई। कप पर निशाना लगाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? यहां पे भी चौथाई घुमाना पड़ेगा। कप पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? चौथाई घुमाना पड़ेगा। कप पर निशाना लगाने के लिए भी कितना घुमाना पड़ेगा? चौथा या चौथा हिस्सा घुमाना पड़ेगा। यह था सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7। अगर तीर का निशान मछली की तरफ हो तो फूल पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? तीर किस तरफ हो, मछली की तरफ हो तो फूल पर निशाना लगाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? देखो विद्यार्थी, जैसे कि तीर का मुंह इस तरफ हो और फूल पर निशाना लगाना है और घुमाना भी हमें इस तरफ ही है, तो हमें कितना घुमाना होगा, यहां पे चौथाई घुमाना होगा। तो विद्यार्थी हम यहां लिखेंगे चौथाई। अगर तीर का निशान मछली की तरफ हो तो फूल पर निशाना लगाने के लिए तीर कमान को कितना घुमाना पड़ेगा? तो चौथाई। सवाल नंबर 8। अगर पानी का पाइप पेड़ की ओर हो तो टब को भरने के लिए पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा? किधर हो, पेड़ की तरफ हो, तब हमें टब में पानी भरने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? यहां देखो विद्यार्थियों, यदि इस तरफ हो तब हमें टब में पानी भरना यानी यहां भरना, तब हमें कितना घुमाना पड़ेगा, केवल कितना, चौथाई। तो यहां पे भी हम लिखेंगे चौथाई, यहां लिखेंगे विद्यार्थियों चौथाई। अगर पानी का पाइप पेड़ की ओर हो तो टब को भरने के लिए पाइप को कितना घुमाना पड़ेगा, तब हम क्या लिखेंगे, चौथाई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 41 हल किया।
तो विद्यार्थियों आप भी इस कार्यपत्रक को हल कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।